Yes, good afternoon, all of you. Am I audible? Yes, am I audible? <coughs> yes, good afternoon, all of you. ओके ओके फाइन आई थिंक नाउ आई एम अविबल यस ये ओके ओके फाइन ओके सो यस हैलो गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू ओके सो इन लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड ऑक्टोबर ट्वेंटी नाइन्टीन द हिंदू न्यूज कवरेज ओके सो नाउ वी आर गोइंग टू कवर सप्टेम्बर ट्वेंटी नाइनटीन सेम एन्वायरमेंट द हिंदू में जो भी न्यूज आए थे वो कंप्लीट हम यहाँ पर कवर करने वाले ओके सो आई जस्ट वॉन्ट टू लेट यू नो दैट कि सप्टेम्बर ट्वेंटी नाइन्टीन अभी हमारा चल रहा है और ऑलरेडी हमने जून ट्वेंटी ट्वेंटी से रिवर्स हमने कुछ कवरेज दिया है ठीक है सो जून ट्वेंटी ट्वेंटी लाइक दिस हमने रिवर्स अभी तक सप्टेम्बर तक आया है एंड लास्ट हमारा सेशन होगा जून ट्वेंटी नाइन्टीन का तो कंप्लीट आपका जून ट्वेंटी ट्वेंटी टू जून ट्वेंटी नाइन्टीन ऐसे कवरेज होगा एंड इफ़ यू वॉन्ट द कवरेज आफ्टर जून ट्वेंटी ट्वेंटी से आगे आपको कवरेज चाहिए ठीक है लाइक जुलाई एंड ऑगस्ट ओके एंड सप्टेबर ठीक है सो ये जून 2020 के लिए सॉरी uh, फॉर uh, 2020 जुलाई अगस्त एंड सप्टेबर या जुलाई ऑनवर्ड्स ओके जून ऑनवर्ड सॉरी एक्सट्रीम सॉरी दैट इज जून ऑनवर्ड जो भी कवरेज होगा सो दैट यू आर गोइंग टू गेट ऑन द अन एकेडमी ऐप बिकॉज अन एकेडमी आर्टिकुलेट पर सिर्फ हम वन ईयर कवरेज करने वाले और उसके आगे का जुलाई अगस्त एंड सप्टेम्बर ये कवरेज जो होगा तो आपको अनएकेडमी आर्टिकुलेट सॉरी अनकेडमी ऐप जो होगा तो वहां पे आपको जाके बस सुमित कोंडे टाइप करना है एंड देन यू विल गेट दोस दोस यस फ्री फ्री सेशंस स्पेशल क्लासेस हो गए वहां पे और वहां पे जाके बस आपको फाइंड आउट करना है जुलाई 2020 अगस्त 2020 ट्वेंटी एंड सप्टेम्बर ट्वेंटी ओके ओके सो आई थिंक नाउ एवरी इज क्लियर अबाउट द सेशंस जो कि वन ईयर हमारा कवरेज होगा अन एकेडमी आर्टिकुलेट यूट्यूब पे जून ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन ने स्टार्ट किया था अप टू तो अभी तक का चल रहा है हमारा सितंबर अब कल का लेक्चर जो होगा तो उसमें अगस्त कवर होगा परसों के लेक्चर में आपका जु, जुलाई का कवरेज होगा एंड लास्ट हमारा सेशन होगा जून ट्वेंटी का तो आपको पूरी प्ले का लिंक भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा ठीक है सो बस आपको चेक करना है आफ्टर थ्री डेज ओके बट बहुत सारे स्टूडेंट का मुझे मैसेज आ रहे थे कि सर आफ्टर जून 2020 लाइक जुलाई अगस्त एंड सितंबर 2020 का कवरेज कैसे होगा तो वो आपको मिलेगा अन एकेडमी के ऐप पे ओके प्लीज नोट दैट अन एकेडमी ऐप पे जाके मुझे फॉलो करना है वहाँ पे सुमित कोंडे जस्ट टाइप करो वहां पे फॉलो करो सो यू विल गेट फॉरवर्ड जो भी आपके आगे के सेशन से वो आपको मिल जाएगा ठीक है सो चलो लेट स्टार्ट विद द विद्टेबर करंट अफेयर्स सप्टेबर ट्वेंटी नाइनटीन करंट अफेयर्स सो ग्लोबल लाइवलीबिलिटी इंडेक्स सप्टेम्बर फोर की कुछ बात है कि न्यू दैली स्लिप्स सिक्स नॉचेस इन द वर्ल्ड मोस्ट लेवलेबल सिटीज रैंकिंग ओविंग टू द क्लाइमेट चेंज सो दिल्ली का रैंक कुछ सिक्स प्लेसेस से ड्रॉप हुआ है एंड लाइवलीबिलिटी इंडेक्स के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए सो so, जो कि कौन रिलीज करता है एनवायर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस यूनिट ओके सो इट इज बाय बाय द या रिलीज यूनिट से ग्लोबल लाइवलिविटी इंडेक्स निकाला जाता है जिसमें ऑस्ट्रिया का कैपिटल जो वियना है वो टॉप पे आता है मोस्ट डिवेबल सिटी में आ जाता है वियना ऑस्ट्रिया में ऑस्ट्रिया uh, में रहेगा मेलबर्न <coughs> ऑस्ट्रेलिया जो कि सेकेंड रैंक पे आता है थर्ड अगर देखा जाए तो बॉटम पे अगर मतलब बॉड बॉटम पे देखते हो देखो फर्स्ट टू इज मोर देन सफिशिएंट एंड बॉटम पे अगर देखा जाए तो सीरिया वन फोर्टी रहेगा सीरिया जो कि सीरिया में दैमास्कस ओके सिटी हम देख रहे हैं सो दैट दैमेस्कस सीरिया एंड सेकेंड लास्ट पे अगर देखा जाए तो ढाका बांग्लादेश आएगा ओके okay, तो ऐसे बस नॉर्मली देख लेना कि कौन निकालता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंडियन सिटीज़ हैव नॉट फेयर टू वेल इन द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट्स ग्लोबल अवेलेबिलिटी इंडेक्स फॉर 2019, एक सौ अट्ठारह रैंक एंड मुंबई का अगर देखा जाए तो उसका भी कल्चरल स्कोर ऐसे कुछ होते हैं आगे हम स्कोर देखने वाले इसके कौन से कौन से स्कोर होते हैं सो so उसका भी रैंक देखा जाए तो वन वन नाइन्थ है ठीक है सो न्यू दिल्ली वन वन एट रैंक एंड मुंबई इज वन नाइनटींथ रैंक पे आता है ब्रिक्स कंट्रीज में अगर देखते हो सुजो फ्रॉम चाइना वॉज रैंक द हाइएस्ट एंड वेयर इंडियाज कैपिटल न्यू दिल्ली वॉज रैंक द लोएस्ट ओके या मुंबई रहेगा या मुंबई भी आप देख सकते हो दिल्ली भी नहीं मुंबई आ जाएगा यहाँ पे वन वन नाइन पे आता है जो कि लोवेस्ट रैंक पे रहेगा ठीक है सो ग्लोबल लाइवलिटी इंडेक्स रिलीज बाई इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ओके जिसमें वर्ल्ड सिक्योरिटीज विथ ईच अदर एंड टर्म्स सिक्योरिटी अफोर्डेबिलिटी एजुकेशन हेल्थ केयर तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पर इनका मोस्टली इंडेक्स निकाला जाता है एंड वन फोर्टी सिटीज के रैंकिंग यहाँ पे निकाले जाते हैं ग्लोबल लाइविलिटी इंडेक्स में और जिसमें रैंकिंग में अगर देखा जाए तो कौन से बेसिस होते हैं कौन सी कैटेगरीज होते हैं तो टोटल फाइव कैटेगरीज आज दे आर फॉर द ग्लोबल एविलिविटी इंडेक्स सो वन इज द स्टेबिलिटी विच डिपेंड्स ऑन द क्रिमिनल एक्टिविटीज जो भी क्रिमिनल एक्टिविटीज हो गया क्राइम्स हो गए तो उस पर डिपेंड होगा स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एंड एवायरमेंट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर तो शायद यूपीएससी में क्वेश्चन बन सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज आर कंसिडर्ड इन द ग्लोबल लाइविबिलिटी इंडेक्स सो इट आंसर मस बीज स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एंड एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओके ईच फैक्टर इन अ सिटी रिलेटेड टू सॉरी रिलेटेड एज अ एक्सेप्टेबल टॉलरेबल अनकंफर्टेबल अनडिजायरेबल इन टॉलरेंस ऐसे कुछ आ, उसके अलग अलग फैक्टर्स भी आते हैं सो एनीवेज बस इतना याद रखना कि इन, आ, इंडिया में दो सिटीज़ अगर देखे जाए ग्लोबल लेबिटी इंडेक्स में आते है टोटल वन सिटीज़ का ऐसे कुछ रैंक निकाल जाता है तो वन लेवल पे कौन है दमैस्क सीरिया जो कि बॉटम पे आता है और इंडिया का रैंक इसमें कितना है यस yes, दिल्ली का रैंक अगर देखा जाए तो वन वन एट्थ पे आएगा एंड Uh, जो कि मुंबई का रैंक है वन वन नाइन्थ पर आता है ठीक है so, सो इतने दो चीज़ें भी याद रखते हो एंड कौन इसको निकालते हैं इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट ये थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको एंड सेकेंड थिंग इज दैट टॉप पे कौन है तो वी है और इनके कैटेगरीज कौन से कौन से स्टेबिलिटी हेल्थ केयर कल्चर एंड एनवायरमेंट एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ओके तो ये थोड़ा गोत्रु कर देना एक बार फिर से और जो, जो हमारे मोस्टली रैंक ड्रॉप हुए इंडिया के अगर देखा जाए जो दोनों भी अगर इसके अगर दिल्ली का जो

ऑनलाइन पे ठीक है कि जो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल कैसे सेटअप हुआ है किसके अंडर आता है ठीक है तो ये पूरा पार्ट हमने एन के रिगार्डिंग देखा था उसके पावर्स देखे थे ट्राइब्यूनल है और इसके राइट्स अगर देखा जाए तो स्पीडी प्रोसीजर करने के लिए जो जुडिशल प्रोसीजर है वो स्पीडी करने के लिए एंड हाई जो कोर्ट्स होते हैं या सुप्रीम कोर्ट से उनका बर्डन कम करने के लिए लिटिगेशन का जो बर्डन होता है वो कम करने के लिए एनजीटी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है ट्राइब्यूनल है अगर एन के खिलाफ मोस्टली क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि एनजीटी का डिसीजन फाइनल होता है क्या सो नो यू कैन अपील टू द सुप्रीम कोर्ट विद इन द नाइन्टी डेज ओके तो आप अपील भी कर सकते हो एनजीटी के अपोज में अगर देखा जाए तो नाइन्टी डेज में अपोज कर सकते हो बट आफ्टर नाइन्टी डेज इसका फाइनल डिसीजन होता है मतलब एन NG, ने जो भी वर्डिक दिया है सो दैट विल बी द फाइनल वन ओके एंड एनजी के पास जो भी केसेस आते हैं तो वो एनजीटी ने खुद ने सिक्स मंथ्स में उसको क्या करना चाहिए क्या करना चाहिए तो उसको कंप्लीटली डिस्पोज ऑफ करना चाहिए ठीक तो है तो ऐसे उनके कुछ अलग अलग क्राइटेरिया तो प्लीज एनजीटी देख लेना एक बार बिकॉज बहुत बार लाइट में आ गया था वो ठीक है सो प्रिपेयर प्लान फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऐसे एनजीटी ने ऑर्डर्स दिए थे सो नथिंग द हाई मॉर्टिलिटी रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल हैज डायरेक्टर सेंटर टू प्रिपेयर अ टाइम बाउंड एक्शन प्लान तो इंडियन बस्टर्ड का जो पॉपुलेशन कम हो रहा है तो उसके लिए टाइम बाउंड एक्शन प्लान ऐसे कुछ इंप्लीमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट्स आ रहे हैं एंड ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इसलिए और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इस बार का सीएमएस का ये क्या था सीएमएस का मीटिंग जो इंडिया में हुआ था ठीक है गांधीनगर गुजरात में तो उसका ये मैस्कट था ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑल्सो नोन एज द गिब्बी ओके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड ऑल्सो नोन एज गिब्बी ठीक है सो इसमें अगर देखा जाए क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आता ही है ठीक है सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आई यूसीन के लिस्टिंग में इसका क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आएगा ड्यू टू द कोलिजन विद द हाई वोल्टेज पावर लाइन्स जैसे कुछ होते हैं या फिर विंड टर्बाइन से हिट होने की वजह से इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली कुछ लास्ट डिकेड में डिक्रीज हुआ है सो नेक्स्ट द रिपोर्ट विच हैजिन प्रिपेयर बाय द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया स्टैचुटरी बॉडी है तो इनके थ्रू ऐसे कुछ रिपोर्ट रिलीज हुआ है कि इनके नंबर जो है वो ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है सो so, अगर देखा जाए वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट अगर देखते हो आप तो मिटिगेशन ऑफ ऑल पावर ट्रांसमिशन ऐसे कुछ होना चाहिए बस्टर्ड रिलेटेड हैबिटेट्स जो है या सोलर फार्म से तो उनके नंबर्स वहाँ पे अगर देखा जाए तो प्रॉपर असेसमेंट होने के बाद ही वहाँ पे जहाँ पे हैबिटेट है मतलब ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का तो वहाँ पे ही आपको क्या करना है मतलब थोड़ा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करके ये सोलार वगैरह प्लांट्स जो होंगे तो अपार्ट फ्रॉम दोज एरियाज इस्टेब्लिश करने चाहिए ठीक तो है तो ऐसे रिड्यूस पोचिंग वगैरह बहुत सारे इश्यूज थे तो देखो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कौन से लिस्ट में आता है उसके क्रिटिकली एंडेंजर्ड ठीक है तो इसलिए ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा देखो यहाँ पे ओके बिकॉज इनका डिग्री ऑफ थ्रेट ये हाईर लेवल पे है सो अबाउट द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर देखा जाए इज वन ऑफ द हवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड एंडेमिक टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट ठीक है नॉट एंडेमिक टू इंडिया बट इट इज एंडेमिक टू इंडियन सब कॉन्टीनेंट ओके इट इज अ लार्ज बर्ड विदारिजोन्टल बॉडी लॉन्ग बेयर लेग्स ऐसे कुछ होते हैं विच गिविस्ट लाइक एपीरियंस एंड इट इज द स्टेट बर्ड ऑफ द राजस्थान ओके प्लीज नोट दैट इज स्टेट बर्ड ए राजस्थान का एंड कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर देखा जाए तो शेड्यूल वन में आता है वी कैन से वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में सी एम एस कन्वेंशन में भी इसका पार्ट था और इसका मैस्कट भी था इस बार का अपेंडिक्स वन में आता है साइड्स के एंड क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आयुष एंड रेड लिस्ट में ऑलरेडी इसको ऐड किया गया था ओके देन इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट वाइल्ड लाइफ हैबिटाइट इससे कुछ डिफरेंट प्रोग्राम्स है एंड इट इज अपलिस्टेड फ्रॉम एंडेंजर्ड टू क्रिटिकली एंडेंजर्ड बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऑल्सो ओके सो है इसका दिखा जाए तो मोस्टली देखो ये इंडियन सब कॉन्टिनें में आता है डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द वेस्टर्न इंडिया अगर जाए बहुत सारे रीजन्स हैं जैसे कि डेकन प्लाटू वगैरह एक्सेट्रा ये पार्ट्स में ये स्प्रेडेड है तो इसका मेजर अगर लोकेशन देखा जाए तो राजस्थान का जैसलमेर के पास जो डेजर्ट नेशनल पार्क है तो वहाँ पर सबसे ज्यादा इनका पॉपुलेशन आएगा अब्दासा एंड मांडवी तालुका जैसे कुछ आते तो वहाँ पर इनका लोकेशन मेजरली रहेगा आपको ठीक है दिन उसके बाद प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ द ग्रेट इंडियन बस्टर्ड डेजर्ट नेशनल पार्क इन राजस्थान रोलापाडू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन आंध्र प्रदेश केरला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी सॉरी करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी सॉरी एक्स सॉरी दैट इज करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एमपी ठीक है तो ऐसे इनके कुछ मेजर हैबिटेट्स रहेंगे ठीक है सो so, नेक्स्ट है कंजर्वेशन इश्यूज क्या है कि इनके हंटिंग पोचिंग रहेगा या हैबिटेट लॉस अल्टरेशन ऐसे बहुत सारे इशूज इनको रोड डेवलपमेंट्स होगा या फिर जो भी विंड टर्बाइंस डेवलप हो रही है तो इनकी वजह से इनके हैबिटेट लॉस हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ा कंसर्न रहेगा सो कंजर्वेशन स्टेप अगर देखा जाए तो ग्रेट इंडियन बस्टर प्रॉपरली नोन एज गोडावन राजस्थान स्टेट बर्ड इसको गोडावन भी कहा जाता है प्रोजेक्ट गोडावन भी इसके लिए कंजर्वेशन के लिए लॉन्च हुआ था एट डेजर्ट नेशनल पार्क इन जैसलमेर ठीक है तो याद रखना कि डेजर्ट नेशनल पार्क किसके लिए फेमस है प्रोजेक्ट गोडावन या फिर जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उनके कंजर्वेशन के लिए ओके सो नेक्स्ट है कि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड अगर देखा जाए रिकवरी प्रोग्राम प्रॉफिटेबल इक्विटेबल मेकेनिज्म है या फिर फॉर इफेक्टिव कंजर्वेशन ऐसे अलग अलग इसके फैक्टर्स हैं तो प्लीज यू हैव टू गो थ्रू दिस पार्ट बिकॉज हम डिटेल में ज़्यादा जान ही सकते बिकॉज मीनिंग ऑफ द न्यूज़ हमें कवर करना है सो so इसलिए आप बाद में इसको uh, पॉज करके भी देख सकते हो ठीक है देन देखो बस्टर्ड स्पीसीज फंड इन इंडिया फाउंड इन इंडिया सो देखो ऐसे बहुत सारे लोकेशन है मोस्टली uh, जो राजस्थान का पार्ट है तो उस वहाँ पे एंड गुजरात का पार्ट तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इनका पॉपुलेशन है बस्टर्ड्स का वो तो फिर स्लाइटली महाराष्ट्र कर्नाटक एंड uh, कुछ तेलंगाना का पार्ट है आंध्रा का पार्ट है तो वहाँ पर स्लाइटली कुछ थोड़ा कम ज्यादा पॉपुलेशन में दिख जाएगा बट मेजर लोकेशन इनका ये रहेगा गुजरात एंड राजस्थान की तरफ ओके ओके सो so नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देखो दो तीन बार न्यूज में आया था तो इसलिए 1982 में इसलिएमेंट होता है इसका स्टैट्यूटरी बॉडी रहेगी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सॉरी ऑटोनोमस बॉडी इंटरनेशनल एंड इंटरनेशनली अक्लेम्ड इंस्टीट्यूशन है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है ये इंस्टीट्यूट है वाइल्ड लाइफ बोर्ड अगर कहा जाए तो फिर वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर जाता है स्टैटूटरी बॉडी बट इट इज द इंस्टीट्यूट जहाँ पर मोस्टली एजुकेशन ये पर्पज होता है वाइल्ड लाइफ फॉरेंसिक होगा या एजुकेशन ये परर्पज होगा तो इट इज़ नॉट प्लीज़ नोट दैट इट इज़ नॉट अ स्टैटुटरी बॉडी हाँ ठीक है वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया अगर रहेगा ओके वाइल्ड लाइफ बोर्ड ऑफ इंडिया सो दैट विल बी द स्टैटूटरी बॉडी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ओके okay, 1972 बट इट इज द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सो इट इज़ ऑटोनोमस बॉडी हाँ प्लीज नोट दैट बट इट फॉल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड विच हैज़ द लोकेशन और वी कैन से द उसका जो बेस्ट इंस्टीट्यूट बेस्ट है वो आती है देहरादून में ठीक है उत्तराखंड सो so फंक्शन इसका वही है वाइल्ड लाइफ पॉलिसीज वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट होगा या फिर जोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम से तो ऐसे अलग अलग फैक्टर्स इंस्टीट्यूशनलाइज या एजुकेशनल फैक्टर्स इसके इसमें पार्ट रहेगी ठीक है थीके? नेक्स्ट न्यूज है नीलगिरी ताज पॉपुलेशन अप 27 परसेंट इन थ्री इयर्स इन तमिलनाडु ओके नीलगिरी ताज पॉपुलेशन अप 27 परसेंट इन थ्री इयर्स इन तमिलनाडु तो तीन साल में ऐसे कुछ इंक्रीज हुआ है तो कहाँ पे हुआ है नंबर्स इन मुखुर्ती नेशनल पार्क जो कि लास्ट ईयर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि मुखुर्ती नेशनल पार्क किसका पार्ट आता है सो so, नीलगिरी बायसपी रिजर्व बायसपी रिजर्व अगर देखा जाए तो उसमें ही नेशनल पार्क अगर देखा जाए तो उसका पार्ट रहेगा सो मुकुर्थी नेशनल पार्क हैव राइज हैव राइजन फ्रॉम 568 टू 612 ऐसे कुछ नंबर्स इनके इंक्रीज हुए एंड द मोर गुड न्यूज फॉर द स्टेट एनिमल ठीक है तो ये इनका स्टेट एनिमल भी आएगा ठीक है तो ये भी थोड़ा सा याद रखो तमिलनाडु का स्टेट एनिमल नीलगिरी ताहर तो देखो रिसेंटली निलगिरी ताज पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज इन द मुखुर्थी नेशनल पार्क जो कि तमिलनाडु में आता है एंड विच इज द पार्ट ऑफ द नीलगिरी बायोस्पी रिजर्व ट्वेंटी इंक्रीज यहाँ पे हुआ है ओके सेकंड है कि नीलगिरी ताहर देख लो थोड़ा सा ठीक है सो इट इज ऑल्सो नोन एज द नीलगिरी इबेक्स एंड इट इज एंडेंजर्ड इन आयु लिस्ट ओके शेड्यूल वन में आता है नाइनटीन सेवेंटी टू के प्रोटेक्शन एक्ट के एंड इसके देखो एडल्ट मेल्स ताह तहसीज डेवलप ए लाइट ग्रे एरिया ऑफ द सैडल ऑन देयर बैक्स मतलब उनके बैक पे कुछ सैडल्स वगैरह होते हैं सैडल बैक्स भी इनको कहा जाता है मेल पॉपुलेशन को एंड इट इज द स्टेट एनिमल ऑफ द तमिलनाडु ओके तो ये क्या है स्टेट एनिमल ऑफ द तमिलनाडु एंड ओपन माउंटेन ग्रासलैंड में इनका पॉपुलेशन आपको दिख के मिलेगा इट इज एंडेमिक टू दिलगिरी हिल्स एंड द सदन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट ओके सो सदन पोर्शन ऑफ द वेस्टर्न घाट हो गए इज द स्टेट एनिमल ऑफ दिलगिरी सॉरी तमिलनाडु एंड मोस्टली इसका मेजर लोकेशन है नीलगिरी रीजन ओके और uh, बाकी एंडेंजर्ड uh, लिस्ट में आता है इतना याद रखना आयुसन में ठीक है एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ओके देखो मुखुर्तीशनल पार्क इट इज़ प्रोटेक्टेड एरिया लोकेटेड इन द तमिलनाडु एंड वेस्टर्न घाट का जो पार्ट है तो वहाँ पर आ जाएगा ठीक है बाकी भी स्पीसीज आते हैं यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर है एशियन एलिफेंट है या मैमल अट्रैक्शन नीलगिरी ताहर ऐसे कुछ है एंड प्रीवियसली इसको नीलगिरी ताहर नेशनल पार्क तो कहा जाता है बट उसके बाद में उसका कुछ नाम चेंज हुआ है मुकुर्थी नेशनल पार्क ओके सो इट इज द पार्ट ऑफ द नीलगि बायसपी रिजर्व अलॉन्ग विथ यस मतलब नीलगिरी बायसपी रिजर्व का पार्ट है मुकुर्थी बट नीलगिरी बायसपीर के और भी कुछ पार्ट है बायसपी रिजर्व के और भी पार्ट है दैट इज अ मुद्दूमलई बांदीपुर नगर होल वायनाड एंड साइलेंट वैली ओके क्लियर है सबको प्लीज रीड अगेन मुदुमलाई बांदीपुर नगर होल वायनाड एंड साइलेंट वैली एंड प्लस मुकुर्ती ये किसके पार्ट है नीलगिरी बायसपी रिजर्व के पार्ट है और यही यूपीएससी ने 2018 में क्वेश्चन पूछा था ठीक है सो मे बी यहाँ पे देखो आपको थोड़ा सा डिटेल्स में जाना है ठीक है एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नीलगिरी ताहर यस yes, नीलगिरी ताहर के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन है किसी का फास्ट रिप्लाय एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग नीलगिरिताहर यस प्लीज रिप्लाय फास्ट यस और नो यस यू कैन ऑल्सो देखो यहां पर चैटबॉक्स आपको दिखेगा वहां पर आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो अगर कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज आप पूछ सकते हो ठीक है ओके ठीक है सो चलो देखते हैं नेक्स्ट वल्चर ठीक है सो वल्चर कल्चर हाउ द बर्ड वॉज सेव्ड फ्रॉम एक्सटेंशन द नंबर ऑफ डिक्लाइन फ्रॉम द फोर्टी मिलियन इन द टू फ्यू थाउजेंड इन टू सो वल्चर का पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है इंडिया में ठीक है उसके रीजन भी आपको पता कि हो कि एंडोफ्लिन वगैरह जो रहेगा या जिसको हम बोल सकते हैं कि uh, मतलब डिफरेंट जो पेस्टिसाइड्स वगैरह तो उनके इफेक्ट होने की वजह से इनका ड्रास्टिकली पॉपुलेशन जो हुआ है वो बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पे डिक्रीज हुआ है ठीक है so, सो ये आपको याद रखना है सो so, देखो अभी फॉर एग्जाम्पल अ सिकंदा सो जैसे कि एक न्यूज थे देखो यहाँ पे हाँ तो डाइक्लोफिनेक ठीक है so, सो डाइक्लोफिनेक देखो द मेजर रीजन बिहाइंड द वल्चर पॉपुलेशन गेटिंग नियरली वाइप्ड आउट वॉज द ड्रग डाइक्लोफिनेक इट वॉज फाउंड इन द कैरकर्स ऑफ द कैटल ऑन विच द वल्चर्स फीड तो वल्चर जिनको ईट करते तो मोस्टली वही डाइक्लोफेनैक जो होता है तो उसके इम्पैक्ट की वजह से ठीक है तो इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ या इनकी डेथ हुई है सो so, टोटल ऐसे इंडिया इज होम टू नाइन स्पीसीज ऑफ द वल्चर तो नोट दैट नाइन स्पीसीज आते हैं इंडिया में एंड द कंजर्वेशन एफ स्टडी ऑफ द कॉज ऑफ द डेथ इज द वल्चर केयर सेंटर अगर उसके बाद मतलब एक वल्चर केयर सेंटर इंडिया में स्टेब्लिश हुआ है पिंजोर हरियाणा में एंड टू थाउजेंड फोर में इट वॉज अपग्रेडेड एंड बींग द फर्स्ट वर्ल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स बीसी बीसी ऐसे कुछ इंडिया में इसका बाद में अपडेशन हो जाता है सो so, उसके बाद अगर देखा जाए मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है कि ब्रीड ब्रीडिंग इनका करना बिकॉज किलरेडी इनसी टू अगर देखा जाए मतलब जो भी नेशनल पार्क की सेंचुरीज है तो वहां पे इनका पॉपुलेशन ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है तो इसलिए अभी इनसी टू तो नहीं है बट एक्सी टू इनका कंजर्वेशन ब्रीडिंग करना पड़ेगा सो so, यही ब्रीडिंग सेंटर उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सो चलो एनी इनका पॉपुलेशन इतना ड्रास्टिकली डिक्रीज हुआ है तो आयुसन में क्या आना चाहिए क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं ओके तो देखते हैं इनके कौन से कौन से पॉपुलेशन है नाइन स्पीसीज आते हैं टोटल तो उसमें देखो ओरिएंटेड वाइट ब्लैक वर्चर इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्लेंडर्ड बिल्ड वर्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड लॉन्ग बिल्ड वर्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड रेड हेडल इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड तो टोटल ऐसे आउट ऑफ नाइन फोर स्पीसीज ऐसे आएगी इसमें से कि जो क्या है क्रिटिकली एंडेंजर्ड ओके तो शायद इस इसपे भी क्वेश्चन बन सकता है ओके क्लियर यहाँ तक ओके तो देखो इट्स वेटररी यूज वॉज बैन इन टू थाउजेंड एट जो भी डाइक्लोफिन है तो इसके इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ किया जाता है मतलब मोस्टली जो काउज़ होते हैं उन उनपे ठीक है कैटल्स पे, पे यूज किया जाता है सो so वो बैन किया गया था ड्यू टू दिस ड्रास्टिकली और वी कैन से द हजार्डस इफेक्ट ऑन द जो वल्चर्स पे इफेक्ट हुए तो इसलिए इस वजह से अब इसको बैन तो कर दिया है ठीक है बट बहुत सारे ऐसे रीजन है कि अभी भी फिलहाल इसको यूज़ में देखा जाता है ठीक है सो बायो एक्मिलेशन याद रखना कि बायो अक्यूमुलेशन मतलब क्या है कि जो इंट्रोड्यूस हो जाता है मतलब एक जनरली कोई भी अगर पोल्यूटेंट रहेगा या ड्रग रहेगा या फिर कोई पेस्टिसाइड्स है तो कोई एनिमल में ये इंट्रोड्यूस हो जा हो जाता है तो वो एनिमल में ठीक है सो so, उसका प्राइमरी लेवल कैसे होता है कि बहुत ही लो लेवल होता है बट जैसे ही उसको कोई कंज्यूमर मिल जाता है उसको भी और नेक्स्ट लेवल कंज्यूमर होता है सिर्फ so, दो तीन जब कंज्यूमर्स की चेन में ये ड्रग होगा या पेस्टिसाइड्स हो गए वो ट्रांसमिट हो गए तो उनको इंटेंसिफिकाइट इंटेंसिफिकेशन हो जाता है उनका ठीक है और लास्ट टॉप क्रेडिटर जो होगा तो उसमें से उसको जो फीड होने वाला है तो हाई इंटेंसिफाइड uh, और बायोमैग्नीफाइड जो पोलिटेंट होगा तो Uh, उसका मैग्निफिकेशन टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा हो सकता है ठीक है सो देखते हम इसमें अगर लगा तो हम बाद में कभी इसका एनवायरमेंट रिलेटेड लेक्चर में हम डिटेल में देखेंगे विद द पी ओके सो नेक्स्ट देखा जाए सो so, देखो नेक्स्ट न्यूज़ है ओके okay? सो so, टाइलोफोरा बालकृष्टानी एंड टाइलोफोरा निगलेक्टा ऐसे कुछ न्यू प्लांट स्पीसीज वेस्टर्न घाट में मिले थे ठीक है so, सो ज़्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है सो so, देख लेना जस्ट कि लैटेक्स इन प्लांट पार्ट्स ऑफ द पापूस सीड्स ऐसे कुछ आते हैं तो देखो टाइलोफोरा बालकृष्णानी ऐसे कुछ पार्ट्स है कि जो वायनाड में जिनका मोस्टली मतलब फ्लोरा स्पीसीज आते हैं रेडिश पिंक कलर के एंड निगलेक्टा ऐसे कुछ आएगी तो द फ्लोराज ऑफ द न्यू स्पीसीज आर व्हाइट विथ अ वॉयेंट टिंच एंड ल्यूज आर थिक ऐसे कुछ अलग अलग पार्ट्स में आते हैं ठीक है थीके? सो इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लगा मुझे न्यूज़ में जस्ट आप आ, जो एसलेट स्पेडिस ऐसे कुछ पार्ट आते हैं तो उसके अलग अलग यूज बताए अब बाद में इसको स्क्रीन करके रीड कर सकते हो ठीक है सो नेक्स्ट इज स्लॉथ बियर ठीक है नेक्स्ट न्यूज इज द स्लॉथ बियर सो टू स्लॉथ बियर्स रेस्क्यूड इन कर्नाटका इन टेन डेज मतलब जो भी इनका पोचिंग हो रहा था पोचिंग या हंटिंग तो वहां से अगर देखा जाए तो इनका जस्ट कैप्चर uh, हुआ है कि जो स्लॉथ बियर्स है इनका वी कैन से कि इनका इलीगल ट्रेड हो रहा था टू स्लॉथ बियर्स रेस्क्यूड इन कर्नाटका इन टेन डेज सो टू स्लॉथ बियर्स हैव बीन रेस्क्यूड ओके सो इन द बल्लारी डिस्ट्रिक्ट इट गॉट कॉट इन द ट्रैप सस्पेक्टेड है पोचर्स Okay, तो पोचर्स ने जिसको ट्रैप ऐसे कुछ करके रखा था तो वही स्लॉथ बियर को अभी मतलब बचाया गया या फिर उनको रेस्क्यू कर दिया है ठीक है तो स्लॉथ बियर देखो क्या होते है लेबिरेटेड बियर भी इनको कहा जाता है इज एन इंसेक्टिव वोर्स बियर स्पीसीज दैट नेटिव टू द इंडियन सब ओके इंडियन सब को नेटिव यही है एंड उसके बाद इनके uh, लिस्टिंग देखा जाए आयु में लिस्टिंग है वलनरेबल ओके okay, देन उसके बाद वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल वन में आता है एंड साइट्स के अपेंडिक्स वन में आता है ठीक है सो इनका अगर देखा जाए तो डिफरेंट लारवाज हनीज पे वगैरह ये सस्टेन करते हैं तो बाद में आप ये चीजें पढ़ लो ठीक है देन नेक्स्ट इज द नाकटिल्यूका सेंटेलियास ओके तो ब्लूमिंग ऑफ माइक्रो एलगे की गल्फ ऑफ मन्नार सो गल्फ ऑफ मन्नार में ये कुछ नेटिव अगर देखा जाए नेटिव स्पीसीज पे हार्म हो रहा है दैट मीन्स इट इज द एलियन स्पीसीज ओके इन्वेजिव स्पीसीज रहेगी ठीक है इन्वेजिव स्पीसीज नॉक्टुल्यूसा सिंटेलियंस ओके ऐसे कुछ नेटिव स्पीसीज जो कि 180 कॉलोनीज ऑफ द गल्फ ऑफ मन्नार है तो उस पर अफेक्ट हुआ है उस वजह से नॉक्टेलिस सिंटेलिसास की वजह से सो देखो ग्रीनिश मरीन माइक्रो एल्गे गल्फ ऑफ मन्नार पे जिसका इम्पैक्ट हुआ है ग्रीनिश मरीन माइक्रो एल्गे ओके सो ये इन्वेजिव यहां पे रहेगी ओके एंड हैज डेथ ऑफ वन एटी कॉलोनीज एंड सिंगल आइलैंड इन द गल्फ ऑफ मन्नार मरीन और गल्फ ऑफ मन्नार मरीन नेशनल पार्क तो उस उसपे इसका इम्पैक्ट हुआ है सो देखते हैं कि अबाउट म्यूकस लेथनिंग ऐसे देखा जाए तो कोरल जनरली सीक्रेट म्यूकस ऐसे कुछ आता है ठीक है तो म्यूकस लिथनिंग ऐसे कुछ हुआ था एंड वहां पे फिर ऐसे एल्गी का ब्लास्ट मतलब मोस्टली एल्गी ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहे तो गल्फ ऑफ मन्नार में अगर देखा जाए तो कहां पर ये सबको पता है ऑलमोस्ट ट्वेंटी वन स्मॉल एलेंड का ग्रुप है एंड टू द साउथ ऑफ जो पाल स्टेट के आएगा या तमिलनाडु के इसमें कोरोमंडल कोस्ट के ईस्ट में या फिर uh, वी कैन से कि श्रीलंका के वेस्ट पार्ट में आता है ठीक है सो ऐसे कुछ वन टू टेन किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट तमिलनाडु एंड वन किलोमीटर बिटवीन थट्टू कड़े ऐसे कुछ पार्ट आता है एंड एंडेंजर ग्रीन टर्टल भी है और यहाँ पे आपको पता होगा सीकाओ भी इम्पोर्टेंट आता है सीकाउ मीन्स वॉट यस डुगोंग ठीक है सो नोट देट डुगोंग ये भी एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे की स्पीसीज है देन उसके बाद अगर देखा जाए ऑलिड रिलेड टर्टल ग्रीन टर्टल ऐसे यहाँ पे देखो डुगोंग वलरेबल एनिमल होगा सॉरी मैमल है ठीक है so सो ये रहेगा सो so ये सब ऐसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे स्पीसीज दिखेगी तो यहाँ पे सिंगल आइलैंड के आस पास ये कुछ आपको नॉकटुलिसा सिंटेलिका ठीक तो है, तो है तो इसका इन्वेजन बहुत ज़्यादा दिख रहा है एंड दैट इज द ग्रीन एल्गे ठीक है तो इसका इन्वेजन यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो इससे इकोसिस्टम हार्म हो सकती है टोटल ऐसे 21 ट्वेंटी वन वी कैन सी कि जो 21 वन आइलैंड्स आते हैं कहाँ पे पूरे गल्फ ऑफ मन्नार में ठीक है एंड गल्फ ऑफ मन्नार इज द लार्जेस्ट बायोस्पी रिजर्व इन इंडिया ठीक है तो आउट ऑफ एटीन बायोस्पी रिजर्व टोटल एटीन बायोस्पी रिजर्व इंडिया में तो उसमें से सबसे लार्जेस्ट बायोस्पी रिजर्व कौन सा रहेगा दैट इज़ यस गल्फ ऑफ मन्नार ओके प्लीज नोट दिस पॉइंट Okay, तो ऐसे ही जो फर्स्ट आइलैंड है देखो रामेश्वरम के साउथ में आता है सो so दैट इज सिंगल आइलैंड तो वहां पे ये सिंटेलिका का नॉकटिलुसा सिंटेलिक का ऐसे कुछ इशू दिख रहा है मतलब जो इन्वेजिव नेचर में ठीक है सो so, शायद इस पर भी पूछ सकते हैं क्वेश्चन ओके ठीक है एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यस एनी क्वेश्चन यस एनी क्वेश्चन प्लीज रिप्लाई फास्ट ओके okay. ठीक है नेक्स्ट देखते हैं सो <coughs> so, देखो यूट्रोफिकेशन क्या होता है कि एनरिचमेंट ऑफ द वाटर बॉडी विद द एक्सेस अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट तो उसको क्या कहा जाता है यूट्रोफिकेशन कि जब नाइट्रोजन फॉस्फरस एंड इवन बोथ कंटेन मतलब नाइट्रोजन एंड फॉस्फरस कंटेन जब बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब यूट्रोफिकेशन होने के चांसेस होता है ओके एंड द प्रोसेस इंड्यूस ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स एंड अलगे तो इससे प्लांट एंड ग्रोथ प्लांट रहेगा या अलगे रहेगा तो उनकी ग्रोथ ड्रास्टिकली इंक्रीज हो जाती है ओके एंड इट मे रिजल्ट इन द ऑक्सीजन डिप्रेशन ऑफ द वाटर बॉडी तो उनकी तरफ से अगर क्या होगा यहाँ पे कि ऑक्सीजन ज़्यादा इनहेल किया जाएगा यूज़ किया जाएगा एंड बाकी इको को यहाँ पे फिर शॉर्टेज ऑफ द वी कैन से कि ऑक्सीजन हो सकता है एंड उसके ड्रास्टिक इम्पैक्ट वहाँ पे इको पे हो सकते हैं ठीक है सो दैट इज नोन एज यूट्रिफिकेशन मीन्स एक्सेस ऑफ द न्यूट्रो अमाउंट ऑफ द न्यूट्री ठीक है इंड्यूस बाय द डिस्चार्ज ऑफ द फॉस्पेट एंड कंटेनिंग डिटर्जेंट्स फर्टिलाइजर सीवेज इनटू एन एक्वाटिक एक्स्टिम तो इस वजह से क्या हो सकता है यूट्रोफिकेशन हो सकता है मतलब ह्यूमन इंड्यूस्ड ही इसका मेजरली रीजन रहेगा यूट्रोफिकेशन का एल्गल ब्लूम्स क्या होते हैं कि वाटर ब्लूम या ऑलवेज एल्गल ब्लूम्स हार्मफुल नहीं होते तो मोस्टली हार्मफुल हार्मफुल एल्गम ब्लूम्स एच ए बीज जिसको कहा जाता है जो कि टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करता है तो वही होते एच ए बी नॉर्मली फिर एल्गल ब्लूम का इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है बट जब वो टॉक्सिन्स क्रिएट करने वाले ऐसे कुछ एल्गल ब्लूम्स हो गए तभी उनको ही एच ए बीस कहा जाता है सो एन एल्गल ब्लूम और वाटर ब्लूम और मरीन ब्लूम भी कहा जाता है रैपिड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ द एल्गी इन एल्गीटिक इको सिस्टम तो यूट्रोफेशन एंड एल्गल ब्लूम डिफरेंट डिफरेंट आते हैं ओके सो ये चीज भी याद रखो थोड़ा सा एंड टॉक्सिन्स में मेक द सराउंडिंग एयर डिफिकल्ट टू ब्रीथिनेटली बट इफेक्ट ऑलमोस्ट सेम दिखता है आपको यूट्रोफिकेशन जैसे दे मे ऑल्सो इफेक्ट अफेक्ट एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स विच वेन कंज्यूम बाय द ह्यूमंस कैन बी थ्रेट जैसे लाइक शेल्फिस वगैरह होते हैं, तो ऐसे कुछ हो गया एंड एच ए बी इवेंट एडवर्सली अफेक्ट द कमर्शियल एंड रिक्रेशनल फिशिंग टूरिज्म ऐसे पॉइंट्स पर आपको दिख जाएगा यहाँ पे अफेक्ट करता है ठीक है सो देर इज द लार्ज डिफ्रेंस बिटवीन द यूट्रोफिकेशन एंड एल्गल ब्लूम्स ठीक है तो ये प्लीज नोट करो यहाँ पे कि एक्सेस ऑफ द न्यूट्रिशन की वजह से क्या होता है यूट्रोफिकेशन होता है एंड एल्गल ब्लूम्स ये नेचुरली क्या हो सकता है कि वहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज उनका पॉपुलेशन हो सकता है मरीन एल्गल ब्लूम्स का ओके okay, क्लियर है यहाँ तक सबको तो हार्मफुल हो गए तभी इनका इफेक्ट दिखेगा आपको कि जब वो टॉक्जीन्स प्रोड्यूस करते हैं तभी हार्मफुल हार्मफुल्ग एलगल ब्लूम्स के इम्पैक्ट आपको दिख जाएंगे ठीक है तो देखो ऐसे कुछ एल्गल ब्लूम्स हो गए यूट्रोफिकेशन और ये यूट्रोफिकेशन होने के बाद देखो पूरा ग्रीन कवर है यहाँ पे ऐसे कुछ ग्रीन एंटायरली सैचुरेशन आ जाता है ठीक है एंड दैट इज नोन एज द यस एल्गल ब्लूम्स ओके क्लियर है यहां तक सबको तो एल्गल ब्लूम्स और यूट्रोफिकेशन प्लीज नोट दैट

तो वहां पे अभी हमारे मोदी जी बोलते हैं कि पहले जो हमारा टारगेट था 175 सेवेंटी तो उससे भी डबल मोर देन डबल कर दिया अभी हमने सो दैट इज़ नाउ 450 वैट ओके okay, तो अभी पूछ सकते हैं कि ये, ये टारगेट कहाँ पे डबल किया या किसके रिगार्डिंग है टारगेट तो नॉन फॉसिल फ्यूल जो हमने सोलर विंड एनर्जी रहेगी हाइडल एनर्जी तो यहाँ से हमने जो 175 सेवेंटी का टारगेट रखा था तो उसको अभी हमने मोर देन डबल किया अब न्यू टारगेट इज नाउ 450 फिफ्टी तो देखो याद रखना आई के जो टारगेट है अभी इंटेंडेड डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन के जो टारगेट है तो उसमें अभी ये टारगेट हमने 450 फिफ्टी गीगावैट किया है वी मस्ट एक्सेप्ट दैट इफ वी हैव टू ओवरकम सीरियस चैलेंज क्लाइमेट चेंज देन वॉट वी आर डूइंग इज मोमेंट इज जस्ट एनफ ऐसे कुछ आया था तो देखो नरेंद्र मोदी यूनाइटेड नेशन के जो क्लाइमेट एक्शन समिट था तो जो कि न्यूयॉर्क में हुआ था सप्टेम्बर में तो सेर दैट इंडियाज रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट विल बी मोर देन डबल नाउ 450 फिफ्टी हमने कर दिया है जो कि पहले कितना था 175 सेवेंटी था जो हमने पेरिस समिट में 2015 में कॉप ट्वेंटी में क्या किया था इसको आई टारगेट के अंडर आई इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइन कॉन्ट्रीब्यूशन के अंडर 175 का हिट किया था हमने टारगेट जिसमें 16 अगर 100 अगर देखा जाए 100 गीगा इसमें से क्या था सोलार था ठीक है तो वैसे ही अभी यही टारगेट सेम वन सेवनटी का जो टारगेट है पैरिस में हमने जो सेट किया था वो अभी कितना हो गया है टोटल फोर फिफ्टी की गाइड इसलिए मैं ये रिपीटेडली आपको बता रहा हूं बिकॉज इस पर डेफिनेटली क्वेश्चन बन सकता है ओके क्लियर यहां तक और बाकी न्यू इनिशिएटिव है तो प्लीज आप इसको मतलब एक बार बाद में जैसे ही अपलोड हो जाता है वीडियो तो उसको स्टॉप करके आप रीड कर देना बिकॉज बहुत सारे न्यूज हमको कवर करना है ठीक है सो इसको भी आप बाद में रीड कर सकते हो तो जस्ट इसको स्टॉप करके आप थोड़ा सा रीड कर देना उसको ठीक है देन उसके बाद है स्पेशल रिपोर्ट ऑन क्लाइमेट चेंज आई पी सी सी ओके न्यू आईपीसीसी रिपोर्ट वॉन्स ऑफ डायर थ्रेट टू द ओशन तो आईपीसीसी का न्यू रिपोर्ट कुछ रिलीज हुआ है तो उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए तो मरीन या ओशन एसिडिफिकेशन होगा या मरीन हीट वेव्स है या फ्रिक्वेंट एलिनो लानिनो जो इवेंट्स आते हैं तो उस पर फोकस उन्होंने किया है सो आई पी सी सी द स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन क्रायोस्पेरिक एंड इन अ चेंजिंग क्लाइमेट तो देखो इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि ये रिपोर्ट किसने पब्लिश किया है ठीक है सो द रिपोर्ट इज मेड पब्लिक बाय द स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्राइस्पिरिक इन चेंजिंग क्लाइमेट सो ये किसका रिपोर्ट है आईपीसीसी का रिपोर्ट है इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज विच अंडरलाइन द डायर चेंजेस इन टेकिंग प्लेस इन ओशन ग्लेशियर एंड आइस डिपॉजिट्स में जो भी थ्रेट हो रहा है समझ गया आपको स्पेशल रिपोर्ट ऑन द ओशन एंड क्राइस्पिर इन चेंजिंग क्लाइमेट तो आप अंदाजा तो लगा सकते हो इसके ऑब्जेक्टिव क्या रह ठीक है सो थ्री रिपोर्ट्स इसमें बताए गए थे वैसे टोटल पब्लिश हुए थे आईपीसीसी के थ्रू तो ग्लोबल वार्मिंग ऑफ वन डिग्री सेल्सियस लैंड एंड क्लाइम एंड थर्ड था उनका आईपीसीसी का रिपोर्ट ठीक है आईपीसीसी फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट तो अभी जो चल रहा है तो आईपीसीसी का फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट दो का ही है बट इसमें अभी क्या हुआ है अपडेशन हुआ है ओके okay, याद रखना इसमें अपडेशन हुआ है पहला ही रिपोर्ट है चौदह का ही रिपोर्ट है बस ओनली अपडेशन हुआ है ठीक है अब न्यू रिपोर्ट जो आएगा सिक्स रिपोर्ट वो आएगा ट्वेंटी ट्वेंटी टू को सिक्स असेसमेंट रिपोर्ट ओके सो अभी ये पुराना ही रिपोर्ट है बस इसमें अपडेशन हुआ है देखो सो अपडेट्स फिफ्थ असेसमेंट रिपोर्ट ओके क्लियर है यहाँ तक सबको ओके okay, आईपीसीसी ने क्या पब्लिश किया समझ गया ओशन क्राउस्प्रिक इन चेंजिंग क्लाइमेट ओके गुड ठीक है तो इसकी की फाइंडिंग भी अगर आप देखोगे तो ओशन एसिडिफिकेशन मरीन हीट वेव्स एंड मोर फ्रिक्वेंट एक्सट्रीम एल इनो एंड लानिनो इवेंट्स ठीक है तो ये इनके की फाइंडिंग है ओशन वार्मिंग देखो यहाँ पे नाइनटी परसेंट ऑफ एक्सेस हीट ऐसे कुछ है रेट ऑफ ओशन वार्मिंग डबल इन अ फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी ग्लोबल मीन सी लेवल जो है इंक्रीज बाय सिक्सटीन सेंटीमीटर एक उन्नीस के बाद दो तक अगर देखोगे तो सिक्सटीन सेंटीमीटर से सी लेवल हुआ है ऐसे कुछ अलग अलग फैक्टर्स में अगर तो ग्रीन में डिस्कस थे, की थे रिपोर्ट के आईपीसीसी के ओके क्लियर यहाँ तक ओके ठीक नेक्स है नेक्स्ट देखते हैं आईपीसी क्या है एग्जैक्टली exactly? तो इंटरनेशनल बॉडी फॉर एसेसिंग द साइंस रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज इनका खुद का कोई रिपोर्ट नहीं होता ये दस लोगों से क्या करते हैं कि हर एक कंट्री से हर एक रिसर्चर से रिसर्च पेपर लेते हैं उनके जो रिसर्च होते हैं तो वो कलेक्ट करते हैं एंड उसका स्टडी करके फिर ये रिपोर्ट डिक्लेयर करते हैं ठीक है सो उनका कोई खुद का रिपोर्ट नहीं होता है प्लीज नोट दैट ओके कि इनका खुद का कोई रिपोर्ट नहीं है ये क्या करते हैं बाकी कंट्रीज से रिपोर्ट लेते हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन होगी एन्वायरमेंट रिलेटेड क्लाइमेट चेंज रिलेटेड तो उससे रिपोर्ट कलेक्ट करके फिर ये बाद में उसको पब्लिश करते हैं उसका क्रक्स निकाल के पब्लिश करते हैं ठीक है सो so, 1988 में देखो आईपीसीसी का स्टेब्लिशमेंट हुआ था बाय द डब्ल्यूएमओ And UNEP. तो शायद ये क्वेश्चन बन सकता है कि कब इसका ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू है आईपीसी का okay, याद रखना पीस प्राइज तो भी इनको मिला था आईपीसीसी को ओके okay, क्लियर है ठीक है तो देख लेना आईपीसीसी ब्यूरो भी आता है इलेक्टेड बाय द में जो की एक इनका पैनल वगैरह होता है टास्क फोर्स भी होते हैं इनके डिफरेंट डिफरेंट और देखो आईपीसी वर्क बायस इन पब्लिश पब्लिश लिटरेचर इट डज नॉट कंडक्ट इट्स ओन रिसर्च और इस पर क्वेश्चन आके गया ऑलरेडी ठीक है सो so, देखो इसको थोड़ा सा रीड करो अच्छे से आई बी सी सी डॉट कंडक्ट इट्स ओन साइंटिफिक रिसर्च उनकी जो अलग अलग कंपाइलेशंस होते वी कैन से अदर कंट्रीज के जो रिपोर्ट्स रहेंगे या इंस्टीट्यूशन से उनके रिपोर्ट रहेंगे तो उसका ही रिसर्च वो करते हैं एंड वो पब्लिश करते फिर ओके ओके ठीक है नेक्स्ट है एलिफेंट एंडोथ्रोपिक हेपरस ई एच वी ऐसे कुछ वायरस था जो कि नंदन कन्नन जूलॉजिकल पार्क सेंचुरी अगर देखा जाए जोलॉजिकल पार्क सॉरी तो वहाँ पे ऐसे कुछ स्प्रेड हुआ था एंड उसमें कुछ दो टाइगर्स सॉरी दो एलिफेंट्स की डेथ होती है एंड ऐसे कुछ ये जू लॉस्ट सॉरी फोर एलिफेंट्स फोर एलिफेंट्स की डेथ होती है एंडोथेलोट्रॉपिक हेरपेस वायरस ठीक है तो ऐसे कुछ हुआ था स्प्रेड तो देखो मुझे लगता है कि इस वायरस के रिगार्डिंग तो ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा पर जहाँ पे डेथ हुई है वो शायद पूछ सकते हैं तो नंदन कन्न जुअलॉजिकल पार्क कहां पे आता है तो इट इज इन द भुवनेश्वर उड़ीसा फर्स्ट थिंग नंदन कन्न की रिगार्डिंग बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट मुझे कुछ मिला है तो देखो यहां पे तो फर्स्ट जू इन द वर्ल्ड टू ब्रीड व्हाइट टाइगर एंड मेलानिस्टिक टाइगर ओके समझ रहा है तो ये फर्स्ट जू है वर्ल्ड का कि जहां पे व्हाइट टाइगर एंड मेलानिस्टिक टाइगर जो है तो उनका यहाँ पे क्या होता है यस yes, कि इनका कंजर्वेशन यहाँ पे होगा ठीक है

वर्ल्ड के जितने भी के पार्क से तो उनकी एक एपेक्स बॉडी है दैट इज वज़ा इंडिया में अगर देखा जाए तो सेंट्रल जो अथॉरिटी आता है ठीक है और सीजेड ए इसका पार्ट है मतलब वजह का पार्ट है मतलब उसका ही वी कैन से कि उसका भी मेंबर है सीजेड है हमारा सेंट्रल जो अथॉरिटी बट इंस्टीट्यूशनल मेंबर अगर देखा जाए तो एक ही है दैट इज नंदनकन जूलॉजिकल पार्क जो कि वज़ा का ओके फर्स्ट जू इन इंडिया वेयर एनडेंजर रैटल वॉज बोर्न इन कैप्टिविटी एंड इट इज द सेकंड लार्जेस्ट हेरोनी फॉर द ओपन बिल्ड से ऐसे कुछ आता है तो ब्रीडिंग कॉलोनीज जिसको कहा जाता है इज द लार्ज फिश ईटिंग वेजिंग बर्ड ऐसे कुछ होते हैं तो उनका uh, अगर देखा जाए तो ये मतलब सेकेंड लार्जेस्ट कुछ ऐसे ब्रीडिंग प्लेस है ठीक so है सो एनी वेज इतना याद रखो कि ये जो मैंने पॉइंट्स हाईलाइट किए तो उतने आपको थोड़ा सा गोत्रू करना जरूरी होगा ठीक है भुवनेश्वर उड़ीसा एक्सेट्रा एसेट्रा नेक्स्ट है रिड्यूसिंग ई एस जेड ऑफ इकोलॉजिकल सेंसेटिव जोन ऑफ द सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ओके okay, तो ई एस जेड जो है मतलब इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है तो वो रिड्यूस किया गया डाउन टू जीरो ऑलमोस्ट मतलब एक किलोमीटर के पास ही रखा है दैट इज नथिंग बट जीरो ही हम बोल सकते हैं तो देखो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ पे आता है जिसका इकोलॉजिकल जो सेंसिटिव जोन है इको सेंसिटिव जोन सॉरी इको सेंसिटिव जोन जो है तो वो कम किया इको सेंसिटिव जोन मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कौन सा एक्ट है एंड एवरीथिंग जो टेन किलोमीटर सराउंडिंग द प्रोटेक्टेड एरिया और सराउंड द प्रोटेक्टेड एरिया जो एरियाज होते हैं कि जहां पे इन बिटवीन वी कैन सी की नेशनल पार्क और सेंचुरी के बिटवीन वाला पार्ट है जो कि शॉक एब्जॉर्बर होता है ठीक है कल जाके अगर कुछ इश्यूज आते हैं या फिर हैबिटेट यहाँ पे थोड़ा एक्सपांड हो जाता है तो बाहर भी उनको प्रोटेक्शन मिलना चाहिए इसलिए प्रोटेक्टेड एरिया के आउटसाइड वो होते हैं इको सेंसिटिव जोन्स ओके सो वही इको सेंसिटिव जोन जो है सत्यमंगलम का कम कर दिया है और सत्यमंगलम आता कहाँ पे तमिलनाडु के देखो यहाँ पे थोड़ा सा ईस्ट की तरफ ये पार्ट में आता है ठीक है नॉर्थ एंड थोड़ा सा स्लाइटली ईस्ट की तरफ आएगा नॉर्थ नॉर्थ की तरफ है ओके मोस्टली याद रखो नॉर्थ तेलंगाना से बॉर्डर जो है तो वहां पे आता है एंड ये थोड़ा अगर देखा जाए तो नीलगिरी यहाँ से टच करता है देखो इसको नीलगिरी जो है तो यहाँ पर टच होता है ठीक है so, सो नीलगिरी में ही स्लाइटली यहाँ पर टच करता है ठीक है सो एनी इतना याद रखना कि लोकेशन सत्यमंगलम का क्या है तमिलनाडु ठीक है इट इज़ एंटायरली इन द तमिलनाडु ठीक है सो की डेटाज अगर देखा जाए तो रिड्यूसिंग इको सेंसिटिव जोन ऑफ द तो ये डेफिनेटली इसके पे डिफरेंट वर्क करने वाले है। मतलब अफेक्ट करने ही वाला है ठीक है तो इको सेंसिटिव जोन ऑलरेडी हमने देखे 1986 का एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट सराउंडिंग 10 किलोमीटर एरिया देखो बियॉन्ड एरिया बियॉन्ड 10 किलोमीटर विड्थ कैन ऑल्सो इंक्लूड इन द इको सेंसिटिव जोन मतलब उसके बाहर भी हो सकता है बट जनरली टेन किलोमीटर होता है एंड उसके मोर भी हो सकता है ठीक है सेकेंड हमने देखा था इसको शॉक एब्बॉर्बर भी कहा जाता है इकोलॉजिकल फ्राइगे एरियाज भी कहा जाता है ठीक है तो ऐसे अलग अलग नाम जो है तो वो भी याद रखो ठीक है so, सो शायद वो भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं सत्यमंगलम देख लेना कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व प्रोटेक्टेड रिजर्व एंड वेस्टर्न घाट में आता है तमिलनाडु में ठीक है सो लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन द तमिलनाडु एंड इट बिकेम द फोर्थ टाइगर रिजर्व ऑफ द स्टेट ऑफ द तमिलनाडु ठीक है ऐसे जनरलाइज इन्फॉर्मेशन देख लेना देन नेक्स्ट है हायर प्रोक्योरमेंट प्राइस फॉर द इथेनॉल ठीक है तो इथेनॉल की जो प्राइस है तो वो प्राइस थोड़ा सा यहाँ पे कुछ चेंजेस आते हैं ठीक है तो देखो अकॉर्डिंग टू द न्यू डिसीजन द प्राइस ऑफ इथेनॉल फ्रॉम सी हेवी मोलासिस विल बी इंक्रीज फ्रॉम फोर्टी टू सेवन पॉइंट मतलब फोर्टी से कुछ स्लाइटली चेंजेस हुए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज वगैरह पे द गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्सेट्रा ऐसे कुछ आते हैं तो देखो मुझे डायरेक्टली पॉइंट पे जाना है ठीक है जैसे क्या होता है मतलब डिफरेंट मोलासिस अगर देखा जाए या फिर सी मोलैसिस होगा या बी मोलैसिस क्या है तो वो एक थोड़ा मुझे लगता है इंपॉर्टेंट होना चाहिए सो so बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल प्रोग्राम वेर इन ओ सेल पेट्रोल ब्लेंडेड विथ इथेनॉल अप टू टेन परसेंट तो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए तो टेन परसेंट तक इथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउड है ठीक है याद रखना और जैसे यूएस लाइक कंट्रीज है तो उनके यहाँ पे फिफ्टीन टू ट्वेंटी परसेंट तक इथेनॉल ब्लेंडिंग अलाउड है ठीक है सो नेक्स्ट होगा कि यहाँ पे और क्या है कि जो भी इथेनॉल होगा तो वो प्रोसेस कैसे होता है या उसका एग्जैक्टली पार्ट कैसे हो गए तो देखो इथेनॉल पहले समझ लो इथेनॉल इज एन अनहाइड्रस अनहाड्रसथिन अल्कोहल हैविंग अ केमिकल फॉर्मूलाइव ओ एच कैन बी प्रोड्यूस द क्रॉप शुगर केन मेज व्हीट एंड एक्सेट्रा विच हैव हाई स्टार्च कंटेंट ओके एंड इंडिया इंडियानॉल इज इथेनॉल अ मेनली प्रोड्यूस फ्रॉम द शुगर केन मोलासिस तो इंडिया में ये शुगर केन मोलैसिस से मोस्टली क्रिएट होता है एज द इथेनॉल मॉलिक्यूल कंटेंट ऑक्सीजन इट अलाउज द इंजिन टू मोर completely combust द फ्यूल एंड इससे क्या हो सकता है थोड़ा पोल्यूशन वगैरह कम होगा एंड ऑकरेंस ऑफ द environmental पोल्यूशन मतलब रिड्यूस कर सकता है ठीक है सिंस इथेनॉल इज a प्रोड्यूस from द प्लांट that harness द पावर ऑफ द सन एंड इथेनॉल इज ऑल्सो कंसिडर एज अ रिन्यूएबल फ्यूल भी इसको कंसिडर किया जाता है बट इश्यू वही है कि ये क्रिएट कहाँ से होता है देखो शुगर के एंड मेज एंड वीट तो शायद फिर यहाँ पे फूड सिक्योरिटी का कुछ इशू हो सकता है कि कल जाके अगर इसको प्राइस बहुत अच्छी मिल रही है तो सब फार्मर्स इनको ही बेच देंगे फिर मार्केट में इशू हो जाएगा मतलब नॉर्मल सिटीजन्स के लिए फिर ये फूड महंगे अवेलेबल हो गए ठीक है तो ये सब इशूज जाने जाते हैं तो इथेनॉल ब्रेंडेड प्रोग्राम अगर देखा जाए इट वॉज लॉन्च इन टू थाउजेंड थ्री एंड इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल मार्केटिंग कंपनीज ऑन पायलट बेसिस वेयर इज ओ एम सी सेल पेट्रोल ब्लेंडेड विद इथेनॉल अप अपन परसेंट जो मैंने आपको बताया था इथेनॉल हमारे टेन परसेंट तक अलाउड है पेट्रोल में ठीक है तो उतना याद रखो एंड उसके बाद क्या है कि डेफिनेटली हमारा जो इंपोर्ट है तो उससे डिक्रीज टेन परसेंट तो एटलीस्ट रिप्लेस हो रहा है बिकॉज हम जो हंड्रेड परसेंट क्रूड ऑयल अगर यूज करें या फिर जो मोस्टली पेट्रोल यूज करें तो उसको एटलीस्ट टेन परसेंट तो यूजेज क्या होगा कम होगा अगर इथेनॉल यूज करोगे तो सो इट ऑल्सो सिक्स टू रिड्यूस इंपोर्ट डिपेंडेंसी फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट एंड गिव अ बुस्ट टू द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑल्सो ठीक है तो ऐसे एक दो पर्पज यहां पे आते हैं सो so, देखो यहाँ पे नेशनल पॉलिसी ने बायोफ्यूल 2018 का कुछ पॉलिसी है एंड इंडिकेटिव टारगेट ऑफ़ द 20 परसेंट ब्लेंडिंग अभी ये धीरे धीरे होगा कि पेट्रोल में हमें 20 परसेंट तक अचीव करना है अभी 10 परसेंट है फिलहाल तो 20 परसेंट तक अचीव करना है एंड 5 परसेंट बायो डीजल इन डीजल ओके तो बायो डीजल जो होगा 5 परसेंट ब्लेंडिंग वो ट्वेंटी थर्टी तक तो ट्वेंटी थर्टी तक के टारगेट हमारे अलग अलग है ठीक है तो याद रखना ट्वेंटी परसेंट ब्लेंडिंग इन द पेट्रोल इथेनॉल इन पेट्रोल एंड फाइव परसेंट इन डीजल बट फिलहाल कितना है हमारा टेन परसेंट है ठीक है उतना याद रखो ओके okay, क्लियर है यहाँ तक एंड उसके बाद बाकी ये टारगेट्स वगैरह बी मोलासिस वगैरह आते हैं इंक्रीज द स्कोप ऑफ रॉ मटेरियल फॉर द इथेनॉल प्रोक्योरमेंट बाय इंकरेजिंग इंटरमीडिएट बी मोलाइसिस शुगर जूस ऐसे कुछ होते हैं तो वो उसमें ज़्यादातर यूज़ होगा ठीक है एंड डेवलप नेशनल बायोमास रिपोजिटरी बाय कंडक्टिंग अप्राइजल ऑफ द बायोमास एंड डिफरेंट बायोफिल कोऑर्डिनेशन कमिटीज़ वगैरह क्रिएट हुई तो ठीक है बाद में आप इसको थोड़ा सा ओवरलोक कर लो ना टू जी वगैरह क्या होता है तो जैसे फर्स्ट जी मतलब बायो इथेनॉल एंड बायोडीजल एडवांस बायोफ्यल्स जिसको कहा जाता है उसको आने के लिए बहुत टाइम है ठीक है सेकंड जनरेशन अगर देखा जाए तो उसमें इथेनॉल ड्रॉपिंग एलगे बेस्ड थर्ड जनरेशन ऐसे कुछ कहा जाता है ठीक so है सो क्लियर है यहाँ तक थर्ड जनरेशन इज द बायोफ्यूल्स ओके सो एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस यस एनी क्वेश्चन सबको अंडरस्टैंड हुआ है ओके okay. ई एस जेड देखा है आज हमने हायर प्रोक्रूमेंट प्राइस ऑफ इथेनॉल देखा है देन उसके बाद हमने क्या देखा था सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ठीक है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इको सेंसिटिव जोन कौन सा एक्ट है शॉक एब्जॉर्बर वो देखा हमने देन उसके बाद एग्जैक्टली रिड्यूस कहाँ पर किया गया ई एस जेड जो रिड्यूस कहाँ पर हुआ है वो हमने चेकआउट किया देन उसके बाद हमने देखा है यस yes, ये कुछ वायरस जो स्प्रेड हुआ था एलिफेंट्स में सत्य मतलब नंदन कन्दन जोअलॉजिकल पार्क तो उसका डिटेल्स हमने देखे ओके okay, देन उसके बाद हमने रिपोर्ट सबसे इम्पोर्टेंट रिपोर्ट है आईपीसीसी का दैट इज द स्पेशल रिपोर्ट ऑन ओशन एंड क्राइस्परिक इन अ चेंजिंग क्लाइमेट वो चेकआउट किया हमने ठीक है देन उसके बाद हमने क्या देखा यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट एक्शन समिट जिसमें मोदी जी ने क्या किया बहुत फॉर्म में आके अभी क्या है कि टारगेट तो इंक्रीज कर दिया पर पता नहीं कि कम वो कंप्लीट हो गया या नहीं है तो 450 फिफ्टी गीगा वैट जो होगा अभी न्यू टारगेट है जो कि 175 सेवेंटी फाइव से अभी हमारा न्यू टारगेट क्या है 450 फिफ्टी ओके क्लियर है यहाँ तक सबको यस एवरी वन अंडरस्टूड ठीक है ओके सो नेक्स्ट हमने देखा था यूट्रोफिकेशन एंड सिंटेलियास ठीक है तो ऐसे ग्रीनिश मरीन माइक्रो एल्गी का जो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज हो गया है ऐसे कुछ पार्ट्स में ठीक है तो ये सब हमने देखा है सो so, स्लॉथबियर का भी हंटिंग होने वाला था पोचिंग हंटिंग तो वो भी रेस्क्यू कर गए वहां से ठीक है से कुछ रीजन से ठीक है तो आई थिंक मुझे लगता है सबको अंडरस्टैंड हो गया आज की न्यूज तो कल हम देखेंगे ऑगस्ट करंट अफेयर्स ऑगस्ट 2019 करंट अफेयर्स, ओके एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टूडे सेशन एनी क्वेश्चन ठीक है एनी क्वेश्चन वल्चर नीलगिरी ताहर में कुछ क्वेश्चन होगा तो वो भी पूछ सकते हो इंडियन बस्टर्ड हमने देखा आज ग्लोबल लाइवलिविटी इंडेक्स ये सब पार्ट हमने देखे आज ठीक है ओके सो आई थिंक सबको अंडरस्टैंड हुआ है आज का लेक्चर प्रॉपरली ठीक है सो चलेगा तो कल हम देखते हैं नेक्स्ट कवरेज दैट इज ऑगस्ट ट्वेंटी नाइनटीन द हिंदू कवरेज ओके राइट एट टू पी ओके ओके देन थैंक यू थैंक यू ऑल ऑफ यू हैव नाइस डे